पंचकुला में घग्गर नदी में शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। शख्स ने पुल पर हंगामा किया और अपनी बच्ची को गाड़ी में छोड़कर नदी से छलांग लगा दी। उसके बाद स्थानीय पुलिस और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिसे ढूंढने के लिए कई घंटों तक मशक्कत की गई, लेकिन आखिरकार वहां पर मौजूद एक शख्स ने वीडियो बना ली। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से शख्स पहले पुल पर लटक कर हंगामा करता है और दूसरी वीडियो में बहते हुए दूसरे किनारे से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आप तस्वीरें देखें, ये हाई वोल्टेज ड्रामा है जो इस शख्स की ओर से आज किया गया है। इसी पर हमारे संवाददाता तारा ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तारा ठाकुर, ये हम वीडियो भी यहाँ पर लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से एक शख्स की ओर से यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा किया गया, क्या वजह रही, क्यों इस शख्स की ओर से इस तरह से छलांग लगाई गई, क्या पूरा मामला अभी तक सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, अभी इस मामले को लेकर क्या मकसद था ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस प्रकार से कल जो है सूचना मिली थी एनडीआरएफ और पंचकुला पुलिस को कि एक व्यक्ति ने जो है घग्गर पुल के ऊपर पहले गाड़ी लगाकर पूरा हंगामा किया और वहां पर जो है गाड़ियों का जाम लग गया और उसके बाद व्यक्ति ने जो है नदी में छलांग मार दी, जिसके बाद प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार ढूंढती रही। देर रात तक जो है टीमें काम कर रही थी लेकिन कोई भी सूचना जो है नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई तो एक व्यक्ति द्वारा जो है पुलिस को वीडियो दी गई जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस प्रकार से व्यक्ति जो है नदी में कूद रहा है, हंगामा कर रहा है और उसके बाद ही जो है दूसरे वीडियो में वो नदी के किनारे से निकलता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम को जो है गुमराह किया गया, अपनी बेटी को जो है गाड़ी में छोड़कर ये सारा ड्रामा उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो फिलहाल अभी पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही है। ये शख्स कौन है, इसकी पहचान हो पाई है? फिलहाल अभी इस मामले को लेकर जो है पुलिस जांच कर रही है, उस व्यक्ति के द्वारा ये ड्रामा क्यों किया गया सारी पूछताछ भी की जाएगी। अभी फिलहाल व्यक्ति जो है तलाश की जा रही है पुलिस के द्वारा और कारणों का भी पता जो है लगाया जाएगा कि इसके पीछे कारण क्या था। ठीक, बहुत शुक्रिया तारा ठाकुर तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर अभी पुलिस की ओर से जांच की जाएगी, जिसके बाद क्या वजह रही, क्यों इस तरह से हंगामा किया गया, इस सब को लेकर जांच की जाएगी और साथ ही कार्रवाई भी पुलिस की ओर से की जाएगी।